रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम पालक ब्रेड रोल बना रहे हैं और बहुत हेल्दी ये एक रेसिपी है जो कि बच्चों को लंच पे भी दी जा सकती है, रमज़ान के महीने में भी बनी जा सकती है और चाय के साथ भी खाई जा सकती है। बहुत ज़्यादा ये आपको पसंद आएगी ये रेसिपी इंशाल्लाह। तो जिसके लिए हमने 1 कप जो है वो पालक को काट लिया है और इसको धोकर इसको निचोड़ लिया, ठीक है। 2-4 पानी इसको धोया है, साफ़ सुथरी पालक कर लें, बारीक बारीक काटनी है। 1 अदद मैंने आलू लिया था, उसको मैंने उबाल कर और अच्छी तरह गला कर मैश कर लिया है। और ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आलू जो है वो कम है और पालक थोड़ी इसमें ज़्यादा है, तो हम पालक को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि क्योंकि पालक जो है वो बच्चे शौक से नहीं खाते, लेकिन इस तरह का बनाने से वो बच्चे भी शौक से खाएंगे। 2 हमने हरी मिर्चें ली हैं, बारीक काट ली हैं। हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं बच्चों के लिए अगर बनाना हो। 2 चुटकी मैंने अजवाइन ली है और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। नमक जो है मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक होता है। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और स्लाइसिस जो है वो ब्रेड स्लाइसिस जो अपनी मर्ज़ी से आपने ले लेना है। मैंने तो 4 अदद लिए हैं, आप 6 का 8 का जितने आपको रिक्वायर्ड हो आप बना सकते हैं। इसके साइड्स जो है वो मैंने एजेस काट कर एक साइड पे रख दी। इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और थोड़ा सा पानी चाहिए होगा और ऑयल जो है हमें फ्राई करने के लिए चाहिए होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आलू शामिल किए और इसमें पालक शामिल की और इसमें तमाम चीज़ें जो है मैं आपको बताती हूँ शामिल करनी है। हरी मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन, कुटी लाल मिर्च और नमक डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखें, ब्रेड स्लाइस को हमने जो है ना पहले बेलना है और इस तरह बेलना है कि इसके किनारे तक हमने पतले करने हैं और फ्रेश लीजिएगा ब्रेड स्लाइस। ये ना हो कि रात के जो है वो आपने स्लाइस लेने हैं वो जो है वो बेले नहीं जाएंगे, वो टूट जाएंगे। तो फ्रेश में ये होता है कि ये टूटते नहीं। देखिए बिल्कुल इस तरह करके हो गया। अब हमने रखना है अमेजा। जितना आपने शामिल करना है वैसे तो इसमें थोड़ा ही जाएगा। ये आपने इसके किनारे रोकने हैं और ये आपने इसको इस तरह करके पानी से, पहले तो पानी लगा लेते हैं क्योंकि जो बाइंडिंग है ना ये वाली ये, और फिर आपने जो पानी है ना यहाँ पे लगाना है क्योंकि इसकी बाइंडिंग जो है वो पानी से ही होगी, वरना ये नहीं होगी और किसी से नहीं होगी। ये देखें, ये आपने रोल बना लेना है और इसी तरह हम तमाम को करके बताते हैं आपको। अब हम फ्राई करते हैं। स्लो फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, तेज़ फ्लेम पर नहीं कीजिएगा, ताकि वो पालक जो है वो अंदर तक पक जाए। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने उसको स्लो फ्लेम पर ही पकाना है। ये देखिए फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। अब जो है दूसरे हम जो है परागत डालते हैं इसमें, दूसरे भी हम जो है वो इसी तरह फ्राइंग पैन ये कढ़ाई में शामिल करके फ्राई करेंगे। मुंह में फ्राइंग पैन आ गया, रोज़ा भी तो बहुत लग रहा होता है ना जब रोज़े में जब बनाते हैं हम लोग, तो उसमें भी बात जो है ना नहीं हो रही हो पा रही होती। ये देखिए पालक ब्रेड रोल तैयार हो गए हैं। मैंने 4 का सोचा था लेकिन अमेजा भी बच गया था और जो है ब्रेड स्लाइस भी थे मेरे पास, तो मैंने इसलिए बना लिए हैं। तो ये तकरीबन 6 मैंने बना लिए हैं। तो आपने ज़रूर अफ्तारी में बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा इसका टेस्ट लगा, जायका लगा, और डिफरेंट सी चीज़ है और मज़े की भी बहुत है और सारा दिन की जो जैसे पालक जो है वो फुल ऑफ आयरन होता है, इसको आप अफ्तारी में खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं काट के बता दूँ आपको।
ये देखिए, इसको जो है आपने खाना है केचप के साथ, या कोई भी आपने इमली की चटनी के साथ खा लीजिएगा। मैंने आपको इमली की चटनी भी बनानी बताई हुई है, और उनमें पंजाबी ताज़ा। देखिए रोल तैयार कर दिए हैं मैंने, और जरना मैं लेसन स्लाइस, लेसन ब्रेड स्लाइस उधर किनारे में काट लेसन, तो किनारे तो खैर ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे धुप्पे, तो अजकल धुप्प तो गर्मी किन्नी सख्त है, तो एकदम ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे थोड़े। बाकी है कि मैं लेसी पालक ली सी, तो वो मैं आलू उबलिया का पा लिया, ताकि वो पालक की एक ना बाइंडिंग जी हो जाएगी, वो मिक्स करके तो हरी मिर्चा पा रही, नमक पा रहे, जीरा पा रहे, अजवाइन पा ली, तो कुटी दी मिर्चा पा के तो उन्होंने अमेजन तैयार किया। तो ब्रेड स्लाइस में थोड़ा सारा ना मैं बेल लिया सी पतला करके, लेकिन उन्होंने जरा जोड़ना है ना, वो बाइंडिंग जी है ना वो करनी है पानी के नाल, ठीक है। उदा बाइंडिंग की है, तो रोल तैयार हो गए हैं, फ्राई किए हैं ऑयल च, तो खाओ बड़े मजे के तुम लगन गए इंशाला, और हल्के फुल्के भी लगन गए, क्योंकि ए मैं ज्यादा हैवी चीज़ा तो पाइया नहीं, बिल्कुल पालक आलू मैश किया था। तो ठीक है, तुसी अपने अफतारी रखो, मैं जरूर दोवें याद रखना है, बच्चों लंच बॉक्स दवो, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद छुट्टियां हो गई ने या नहीं, चलो खैर देखी जाएगी, जून जुलाई दी होंदियां ने वैसे, हो सकता मई च देने ने कि नहीं देने, कई स्कूलों च होइया ने वैसे मई च, कई दी नहीं हुई। अच्छा ए वेख के मैं अपनी दोवें जरूर याद रखना, ओके अल्लाह हाफिज़।